हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और हम देख रहे हैं रूबी मॉड्यूल। रूबी में मॉड्यूल्स कैसे बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, हम देख लेते हैं। जैसे हम क्लास बनाते हैं, इसी तरह मॉड्यूल बनाते हैं, बट दोनों में अंतर है। अब मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड। मॉड्यूल में मेथड्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं और क्लास वेरिएबल्स होते हैं। तो मॉड्यूल्स आर डिफाइंड एज अ क्लास। मॉड्यूल क्लास की तरह डिफाइंड किए जाते हैं, बट जो उसमें हम यूज करते हैं, उसमें कीवर्ड यूज करते हैं मॉड्यूल। जैसे क्लास बनाते हैं तो क्लास में क्या कीवर्ड यूज करते हैं, क्लास, उसके बाद क्लास का नाम आता है। इसी तरह से जब हम मॉड्यूल बनाते हैं तो मॉड्यूल कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद मॉड्यूल का नाम, और मॉड्यूल का जो नाम लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल में लिखेंगे। तो ये हम जो मॉड्यूल बनाते हैं, बनाते हैं क्लास की तरह से, बट एक कलेक्शन होता है। इसमें क्या क्या होता है, मेथड्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं और क्लास वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। जबकि क्लास और मॉड्यूल में अंतर है वो हम देखेंगे अभी कैसे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मॉड्यूल्स में, ठीक है। तो मॉड्यूल्स को हम इंक्लूड करा सकते हैं क्लास में। यू कैन नॉट इनहेरिट मॉड्यूल्स, आप मॉड्यूल्स को इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि क्लास को इनहेरिट करते हैं, ठीक है। देखिए, ये देखिए एग्जाम्पल लीजिए, मॉड्यूल का मॉड्यूल है, उसके बाद मॉड्यूल का नाम है और मॉड्यूल का नाम कैप्स में है, फर्स्ट लेटर कैप्स में है। यू कांट क्रिएट अ सब क्लास ऑफ द मॉड्यूल, आप मॉड्यूल की सब क्लास, जैसे क्लास बनाते हैं आप, क्लास में सब क्लास, क्लासेस की सब क्लास होती है, पर मॉड्यूल की सब क्लास नहीं होती, सब क्लास नहीं बना सकते। ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी क्रिएटेड फ्रॉम द मॉड्यूल, मॉड्यूल्स आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, जैसे आप क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मॉड्यूल्स में ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं। मॉड्यूल्स आर यूज एज अ नेम स्पेसिस एंड अ मिक्सिंग, मॉड्यूल्स नेम स्पेसिस की तरह यूज किए जाते हैं और मिक्सिंग मिक्सिंग की तरफ से, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे, अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, आगे हम देखेंगे प्रैक्टिकली, हम ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। ये अभी हम छोटा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं और प्रैक्टिकली हम ज़्यादा वीडियोस देखेंगे, बनाएंगे आगे। ये शुरू में इंट्रोडक्शन थोड़ा ज़रूरी था दोस्तों, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो, जिससे हमारा हमें मोटिवेशन मिले। ऑल द क्लासेज आर मॉड्यूल्स, सारी क्लासेज मॉड्यूल्स होती हैं, बट क्या होता है, सारे मॉड्यूल जो होते हैं वो क्लासेज नहीं होते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है। द क्लास कैन यूज नेम स्पेस, क्लास नेम स्पेस यूज कर सकती है, बट दे कैन नॉट यूज मिक्सिंग, पर मिक्सिंग यूज नहीं कर सकती क्लास, ठीक है। जैसे मॉड्यूल्स मिक्सिंग यूज करते हैं, ठीक है, आप उसमें मेथड बनाते हो, कॉन्स्टेंट बनाते हो, क्लास वेरिएबल, बट इसमें ऐसे नहीं होता है, क्लास में ऐसे नहीं होता है, ठीक है। द नेम ऑफ द मॉड्यूल मस्ट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, अब ये सिंटैक्स है, नीचे देखिए मॉड्यूल, और ये हमने मॉड्यूल का नाम यहाँ देना है, और फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैप्स में होता होगा। तो क्लास जो है, क्लास कैन नॉट यूज नेम स्पेस, क्लास नेम स्पेस यूज नहीं कर सकती, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये हमने एक मॉड्यूल बनाया, ठीक है, प्रोग्राम हम बना रहे हैं मॉड्यूल, और मॉड्यूल जो बना रहे हैं उसका हम नाम लेंगे एजटेक। मॉड्यूल का नाम क्या ले रहे हैं, एस्टेक। तो पहले मॉड्यूल कीवर्ड आएगा, उसके बाद एस्टेक आएगा और ए कैपिटल आएगा, ठीक है। जो फर्स्ट लेटर वो कैप्स में आएगा मॉड्यूल का। इसमें हम पहले कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, ए इक्वल टू 26, या आप कुछ भी ले सकते हैं। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे, यानी कि मेथड बनाएंगे मॉड्यूल के अंदर, और उसकी प्रीफिक्स लेंगे मॉड्यूल का नाम, जैसे डेफ, और मैं यहाँ लेने वाला था एक्शन का नाम पोर्टल, तो मैंने एक प्रीफिक्स लगा दिया एस्टेक डॉट पोर्टल। तो मैं इसमें कुछ प्रिंट कराऊंगा, नीचे पुट्स में लिखूंगा वेलकम टू एस्टेक पोर्टल, ठीक है। उसके बाद मैं एंड कर दूंगा। फंक्शन तो आपको आता है बनाना, और नहीं आता तो हमारे वीडियोज़ हैं उसमें देख लीजिएगा, रूबी के वीडियोज़ में, अभी बस बनाया नहीं, बनाऊंगा आगे। इसी तरह से मैं एक दूसरा एक और मेथड बना लेते हैं, एस्टेक डॉट ट्यूटोरियल। वैसे जो कीवर्ड आता है उसमें, रूबी में जब आप फंक्शन बनाते हो कीवर्ड डेफ का यूज़ करते हैं, और ऐसे ही पाइथन में भी करते हैं, अगर आपने पाइथन किया होगा तो आपको समझना आसान होगा। तो एजटेक आ गया आपका प्रीफिक्स मॉड्यूल का जो नाम था, और डॉट ट्यूटोरियल जो आप मेथड का नाम दे रहे हैं उसमें हम प्रिंट कराएंगे एजटेक ट्यूटोरियल, और लास्ट में मॉड्यूल का एंड बंद कर देंगे, ठीक है। नीचे एंड लगाना ना भूलें, मॉड्यूल को क्लोज करना पड़ता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय इस वीडियो को निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा मोटिवेशन, हमें मोटिवेशन देने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है। यहाँ पे ये आउटपुट आज आज हम अब हम मॉड्यूल के कॉन्स्टेंट को कैसे यहाँ पे कॉल करेंगे, पुट्स, जैसे हम वहाँ कोई फंक्शन देखा होगा पीएचपी में, अगर आपके यहाँ होगा तो एको करते थे, यहाँ पर हम पुट्स लिखेंगे,
और उसके आगे लिखेंगे मॉड्यूल का नाम, और ठीक है, और फिर कांस्टेंट लिखेंगे। और अब देखिए एज टैग डॉट पोर्टल, ये नाम है हमारा फंक्शन का मॉड्यूल के साथ फंक्शन, और नीचे एज टैग डॉट ट्यूटोरियल, ये दोनों जो है ना मॉड्यूल प्रीफिक्स के साथ हम दोनों को कॉल करा देंगे। तो कॉल हो जाएगा तो आउटपुट क्या आएगी, जो कॉन्स्टेंट था उसकी 26 वैल्यू आ गई। तो कॉन्स्टेंट को हमने कैसे कॉल कराया था, मॉड्यूल के रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाकर, ठीक है। तो बस यही है छोटा सा, आगे हम देखेंगे प्रैक्टिकल में, इतने काफ़ी है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आगे बहुत आगे और प्रैक्टिस जब होगी तो आपको समझ में आ जाएगा, आगे हम करते रहेंगे, इसको समझाते रहेंगे, ठीक है। तो ये रहे हम मॉड्यूल्स के बारे में, रूबी में जो मॉड्यूल्स